अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा, ब्रेन स्टडी कर रहे हैं। ब्रेन है क्या चीज है, ब्रेन का क्या काम होता है। हम लिखते हैं यहाँ पर ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं और ऑर्गेनिज्म भी आप इसको नाम दे सकते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म की तमाम एक्टिविटीज हम कहते हैं ये क्या होती है, आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। इनको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन की लोकेशन देखते हैं कि ब्रेन की लोकेशन क्या है, किधर होता है ये हमारे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर। हम कहते हैं इट इज लोकेटेड ये बेटे लोकेटेड होता है इन बोनी क्रेनियम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। बोनी क्रेनियम जो है इट इज अ पार्ट ऑफ स्कल, ये बेटे स्कल का एक हिस्सा कहलाता है। इसके अंदर ब्रेन जो है वो लोकेटेड होता है, या सिचुएटेड का वर्ड में हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि क्या होता है। अब ये ब्रेन के बाहर जो हड्डियों का ढांचा हो गया जिसने कवर किया हुआ है, इसकी प्रोटेक्शन जो करनी है, इसके अलावा भी क्या होता है, इनको कहते हैं जनाब मैनेजेस। इसको कहते हैं बेटे हम मैनेजेस कह रहे हैं। दीज आर द मेम्ब्रेन्स, मैनेजेस कह रहे हैं, दीज आर द मेम्ब्रेन्स। हम कहते हैं ब्रेन इज कवर्ड, ये कवर्ड होता है बाय थ्री मेम्ब्रेन्स, तीन मेम्ब्रेन्स के अंदर कवर्ड होता है। इन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कार्ड, इनको कहते हैं जनाब मैनेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको, हम मैनेजर्स कहते हैं। अब इन मैनेजर्स का हमने देखना है कि इनका फंक्शन जो है वो क्या होगा, ये क्या काम जो है परफॉर्म करती है। हम कहते हैं जनाब इनका एक काम तो ये है, ये प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड या सप्लाई भी कह सकते हैं, प्रोवाइड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट भी आप कह सकते हैं, किसको, टू ब्रेन टिश्यू को ये क्या करती है जनाब, प्रोटेक्शन भी देती हैं और उनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं और उनको ये ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती हैं। प्लस में आप न्यूट्रिएंट्स का वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, वो भी प्रोवाइड करती है। तो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं जनाब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये फ्लूइड का नाम है। हम लिखते हैं इसमें आ फ्लूइड प्रेजेंट इन फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड, इसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड हमेशा जहां कहीं भी होता है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, फर्दर ऑन इनके फंक्शन जो है वो भी हो सकते हैं। अब हमें देखना है यहां पर डिवीजन ऑफ ब्रेन की हमने डिवीजन करनी है, जरा गौर करना है अब आपने इसके ऊपर, डिवीजन करनी है हमने ब्रेन की। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक पार्ट जिसको कहते हैं हम फोर ब्रेन कहते हैं, दूसरा पार्ट जिसको हम मिड ब्रेन
और तीसरा पार्ट जिसको हम हाइंड ब्रेन का नाम देते हैं। तीन पार्ट्स हैं, एक पार्ट को आप फोर ब्रेन, दूसरे पार्ट को आप मिड ब्रेन, तीसरे पार्ट को आप क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। अब फिर देखें जो फोर ब्रेन है इसके फर्दर पार्ट्स हैं, कहीं पर आप इसके पार्ट्स का नाम पढ़ेंगे, कहीं पे आएगा सेरिब्रम और फिर आएगा थैलेमस, थैलेमस और फिर आएगा आप लिखेंगे इस पर हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, मगर हाइंड ब्रेन के फर्दर फिर थ्री पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट का नाम है, इसको कहते हैं मेडुला, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। दूसरे पार्ट का नाम है, इसको कहते हैं हम पोन्स। तीसरे पार्ट का नाम है, इसको हम कहते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम भी हम इसको जो है बोल देते हैं। तो अब आपने देखना है कि हमने ये इनकी क्लासिफिकेशन कर दी, पार्ट्स बता दिए कि ब्रेन के मेन कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फर्दर हमें देखना है कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, जबकि हाइंड ब्रेन की भी थ्री पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं है, मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स और कौन सा है हमारे पास, सेरिबेलम हमारे पास इसका हिस्सा, यानी इसका पार्ट जो हमारे पास आता है। अब हमने देखना है कि हम किस हिस्से को फर्दर ऑन स्टार्ट करना चाहते हैं, किस हिस्से को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम नीचे से चलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से हाइंड ब्रेन से हम इसको जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले पहला हिस्सा हम लिखते हैं, इसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन कहलाएगा, जो प्रेजेंट है कहां पर लिख देते हैं इसको, हम कहते हैं इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ, टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर प्रेजेंट होता है। और हमने बता दिया इसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास कौन सा है, हम लिख देते हैं जनाब, पहले पार्ट का नाम है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। अब मेडुला ओब्लांगेटा जो है ये किधर प्रेजेंट होता है, इसकी भी हमने लोकेशन बतानी है। मेडुला ओब्लांगेटा की भी हमने क्या करना है भाई, लोकेशन बतानी है कि ये कहां प्रेजेंट होगा, किस जगह पे जो है ये प्रेजेंट होता है। तो हम कहते हैं जनाब ये प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहां पे लिखा, क्योंकि सबसे पहला पार्ट मेडुला ओब्लांगेटा है, तो जो हाइंड ब्रेन की लोकेशन हमने बताई है बिल्कुल यही लोकेशन मेडुला ओब्लांगेटा की भी बनेगी। तो लिखेंगे इट इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होगा एट टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर ये प्रेजेंट होगा, मेडुला ओब्लांगेटा टॉप पर जो ये प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शन क्या है, इसके रोल क्या है, किन किन चीजों को कंट्रोल कर सकता है, किन किन चीजों को कंट्रोल कर सकता है, आप लिख दें कि इसके फंक्शन क्या है, आप लिख दें कि इसके फंक्शन क्या है। हम लिखते हैं इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन है, ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स, बेटे ये कंट्रोल्स करता है डिफरेंट फंक्शंस को। हम लिखते हैं इसमें कौन सी चीजों को ये कंट्रोल कर सकता है, ब्रीथिंग को करता है, ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को यानी दिल की धड़कन को, फिर हमने कहा ये कंट्रोल करता है बेटा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग, हार्ट रेट और किसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पेज पे देखें, ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स
मैनी रिफ्लेक्सेस, ये मैनी रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करेगा। अब हमने देखना ये है कि इसके ये रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वोमिटिंग है एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वोमिटिंग, ये भी एक रिफ्लेक्स है कैह का आना, स्नीजिंग छींक का आना, उल्टी का आना या छींक का आना, ये क्या है रिफ्लेक्सेस है। इसी तरह हम कहते हैं कफिंग, खांसना जो है ये भी क्या है, ये भी एक रिफ्लेक्सेस है। क्या है, ये भी एक रिफ्लेक्सेस है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के। एक फंक्शन हमने पढ़ा कि ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मैंने रिफ्लेक्सेस को हमने कहा कंट्रोल करता है, वोमिटिंग स्नीजिंग और कफिंग को भी कंट्रोल करता है। फिर ये इंफॉर्मेशन पास करता है जो कि नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है, तो पास इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन पास करता है टू द रेस्ट ऑफ ब्रेन। रेस्ट ऑफ ब्रेन से मुराद ब्रेन के बाकी हिस्सों तक पैगाम रसानी करेगा, क्योंकि दरमियान में ये आ जाता है नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड से पैगाम लेकर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से गुजरेंगे तो बाकी ब्रेन के जो हिस्से होंगे उनको ये पैगाम चाहे वो पहुंचाएगा। ये फंक्शन हो गया कि इसके मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है। दूसरे नंबर पर हमारे पास कौन सी चीज है, हम लिखते हैं इसके अंदर सेरिबेलम, दूसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम दूसरा पार्ट हो गया हाइंड ब्रेन का। तो सेरिबेलम की पहले हम लोकेशन बता देंगे कि ये किस जगह प्रेजेंट होता है, तो हम कहते हैं सेरिबेलम लोकेटेड, लोकेटेड बिहाइंड, बिहाइंड द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, ये इसकी लोकेशन हो गई। अब एक ही लाइन में इसका फंक्शन भी है, एक काम बताया इन्होंने सिर्फ किताब वाले ने जो इसका, कि ये कोऑर्डिनेट करता है, इट ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, ये बेटे मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा, क्या करेगा मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा। फिर तीसरा पार्ट हमारे पास कौन सा है बेटे, पॉन्स का है, किसके ऊपर है, पॉन्स का, सेरिबेलम बिहाइंड है, पॉन्स जो है ये किसकी टॉप के ऊपर प्रेजेंट होगा, मेडुला के टॉप के ऊपर प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट, ये बेटे प्रेजेंट होगा एट टॉप ऑफ मेडुला, ये मेडुला के टॉप पर प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन क्या है, खुद नहीं करता ये फंक्शन इसका क्या है, काम खुद नहीं परफॉर्म करेगा, ये मदद करेगा किसकी, इट असिस्ट, ये बेटे असिस्ट करता है किसको, मेडुला को, इन कंट्रोलिंग, किसमें कंट्रोल करने में, किसको कंट्रोल करना है, हमने पढ़ा है वहां पर ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, फिर हमने पढ़ा कि हार्ट रेट को कंट्रोल करना है जी, फिर हमने पढ़ा वहां पर किसको, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है। तो आप ये देख लें कि जो काम मेडुला परफॉर्म कर रहा था ये उसको उसमें असिस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है उसको, उसमें असिस्ट का काम जो है वो कर रहा है, और ये कंडक्शन देता है, कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है सेरिबेलम का, किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्शन भी देता है। तो तीसरा पार्ट हमारे पास, दूसरा पार्ट था ब्रेन का, ब्रेन का कौन सा था भाई, उसको हम कहते हैं जनाब मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो है ये कहां पर प्रेजेंट होगा, मिड ब्रेन इज प्रेजेंट, नाम से जाहिर है प्रेजेंट बिटवीन द
हाइंड ब्रेन, बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड कौन सा भाई, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में मिड ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हमें देखना है कि इसका काम क्या है, कि ये तो हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को ये कनेक्ट करता है। फिर हमने कहा ये इंफॉर्मेशन ले जाता है, इंफॉर्मेशन लेता है, फंक्शन देख ले, इट टेक, ये इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है बॉडी पार्ट से। किसके थ्रू लेगा भाई, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लेगा। किसके थ्रू लेगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लेगा। इट टेक इंफॉर्मेशन कौन सी, सेंसरी एंड सेंड, और फिर उनको सेंड करता है टू अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ या पार्ट ऑफ फोर ब्रेन के मुतलका हिस्सों को ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, ताकि वो अपना काम जो है वो उसको क्या करें भाई, परफॉर्म जो है वो कर सके। और ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ये बेटा ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। और बॉडी का जो पोस्चर है उसको भी कंट्रोल करता है, यानी बॉडी का जो पोस्चर है उसको भी ये मेंटेन करता है, कि हम अपना तवाजन जो है वो मेंटेन रखते हैं, तो उसमें ये हमारी मदद फराहम करता है। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस से मुराद ये हमारी जो है वो सुनने का जो अमल है, सुनने का अमल है, उसमें भी हमारी मदद देगा। तो ये आज हमने दो पार्ट पढ़े हैं ब्रेन के, कौन से, एक हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर ब्रेन को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।